वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कन्हैया पाठक, योर मैथ टीचर। आज हम देखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का पार्ट टू। इसका एक पार्ट आपको पहले मिल चुका है, ये पार्ट टू हो गया। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इनफिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। जब हम दो रेशनल बीच में जब रेशनल नंबर फाइंड करते हैं तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, कौन सा मेथड लगाएंगे। तो किसी को पता है एक मेथड तो वो यूज कर लेता है, मिड वैल्यू मेथड। जिसको पता है मिड वैल्यू मेथड यूज कर लेगा, किसी को मेथड दूसरा पता है। ओके, जैसे कि आपको क्लास 8 में पढ़ना होता है मिड वैल्यू मेथड, ए प्लस बी बाई टू करके हम निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे तीन तरीके से, यानी कि तीन मेथड से हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से रेशनल नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे कि इनफिनाइट रेशनल नंबर। जहाँ तक हमको पता है, आप लोगों को आपको ही पता होगा, इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने एक चीज देख लिया कि इनफिनाइट रेशनल नंबर होंगे किसके बीच में, तो दो रेशनल नंबरों के बीच में कितने तो इनफिनाइट होते हैं। तो इनफिनाइट तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? तो आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से हम निकालेंगे, विद एक तो सम एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लें, आपको ये नोट्स में बता दें कि उससे पहले इस चीज को जानो, ये क्या है नोट्स। मतलब नोट्स ये है कि बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर, मतलब क्या, दो डिफरेंट रियल नंबर के बीच में क्या होता है, रियल नंबर, देयर आर इनफिनाइट। तो हम लिख सकते हैं रियल नंबर, देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर। आपको एक एग्जांपल बता दें, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हम 9.1 से 9.2 ले लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम ये चीज देख लेंगे कि हम क्या ले रहे हैं। तो हम ले रहे हैं 9.1 एंड 9.2। हम ये दो एग्जाम्पल ले लिए, 9.1 ले लिए, 9.2 ले लिए। तो 9.1 और 9.2 में कितने रेशनल नंबर होंगे, इनफिनाइट होंगे। जी हाँ, इन दोनों के बीच में इनफिनाइट रेशनल्स होंगे। आप इस चीज को जान लें, तो रेशनल नंबर होगा। ये चीज क्लियर हो गया। अब कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर निकालोगे, उसका मेथड आप देखो। तो फर्स्ट मेथड देखिए, हम तीन तरीके के मेथड पढ़ने वाले हैं इसके बीच में, आपको तीनों मेथड बताएंगे, तीनों कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है वो चीज बताएंगे कि फर्स्ट मेथड किसमें आप इंप्लीमेंट करोगे, सेकंड मेथड आप किसमें इंप्लीमेंट करोगे और थर्ड मेथड किसमें इंप्लीमेंट करोगे। तो वो तीनों मेथड बताएंगे। तो फर्स्ट मेथड आपका, जिसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू मेथड, इस चीज को हम बोल सकते हैं मिड वैल्यू मेथड। ये कहाँ निकाल सकते हो मिड वैल्यू मेथड, जैसे कि हम ए प्लस बी बाई टू, जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमने पूछ लिया आपसे कि आप इस तरह के रेशनल नंबर में, जैसे फाइंड फाइव रेशनल नंबर, आपका क्वेश्चन है कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर, बिटवीन फाइव एंड सिक्स ले लेते हैं, हाँ कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो बिटवीन मान लो 1 एंड 2 ही ले लेते हैं, सपोज करो बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर कितने होंगे, तो 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर होंगे, ये चीज हमें पता है। लेकिन कौन कौन से होंगे, इसका मेथड क्या है,
सपोज करो कि ये ए है, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया। अब इसे इसको फाइंड कर लेते हैं मिड वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग, तो वन प्लस टू बाई टू इक्वल टू थ्री बाई टू, ये हमारा थ्री बाई टू निकल गया, पहला रेशनल नंबर तो निकाल ही गया ऑब्वियसली, तो दूसरा तीसरा चौथा कैसे निकलेगा और पांचवा कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे फिर इसको ए ए प्लस बी, यानी कि ये बी का मतलब क्या होगा, जो निकलता जाएगा वो आप बी लेके चलोगे, ठीक है, इट्स ओके, आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर बी इक्वल टू थ्री बाई टू, ठीक है, और ए तो आपका पहला नंबर है ही, सेम नंबर हो जाएगा, तो वन प्लस थ्री बाई टू बाई टू, तो वन प्लस थ्री बाई टू यानी थ्री बाई टू में वन आप ऐड करोगे तो कितना होगा, फाइव बाई टू होगा, कितना होगा फाइव बाई टू होगा, और ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई किया यानी कि फाइव बाई फोर हो जाएगा। ओके, हमारा ये फर्स्ट रेशनल नंबर क्लियर है, ये हमारा सेकेंड निकल गया है, तीन और निकालना है, हम इसको फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, ये सेकेंड के लिए हो गया, थर्ड वन के लिए ए प्लस बी बाई टू अगेन, मतलब ये चीज फिर से ले लेते हैं, तो हम फिर यहाँ पे यहाँ पे दिखाते रहेंगे b इक्वल टू, अब हमारा b का वैल्यू क्या हो गया 5 बाई फोर हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया 5 बाई फोर हो गया, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि a आपका 1 है, 1 5 बाई फोर बाई टू, आप इसमें 9 बाई फोर होता है 1 ढूंढने पे, आप देख सकते हो रेशनल नंबर आपने फ्रैक्शन पर रखा है, ट्रेडिशनल फ्रैक्शन में आप इस चीज को करोगे इंटू टू यहाँ पे हो जाएगा तो 9 बाई एट, चलिए हमारा ये चीज निकल गया, तो फर्स्ट निकल गया, सेकंड निकल गया, थर्ड निकल गया, दो और निकाल सकते हैं इस चीज पे, चलिए ऊपर ही निकाल लेते हैं दो और, तो यहाँ पे फोर निकाल लेते हैं, फोर रेशनल नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो गया हियर बी इक्वल टू नाइन बाई एट, आपका बी इक्वल टू नाइन बाई एट हो जाएगा, उसके बाद ए प्लस बी बाई टू कर सकते हो, वन प्लस 9 बाई एट बाई टू यानी कि आप इसमें जोड़ दो तो 17 बाई एट इंटू यहाँ पर जाए तो 17 बाई 16, ठीक है, क्लियर है, आपका फोर रेशनल नंबर फाइंड हो चुका है, किस मेथड से, मिड वैल्यू मेथड से फोर रेशनल नंबर आपने फाइंड कर लिया है, एक और आपको निकालना है वो भी आप निकालोगे इसलिए, तो एक और आपको फाइव नंबर निकालना है ना, तो फाइव नंबर यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 17 बाई 16 हो जाएगा, ओके, तो वी का वैल्यू हमारा 17 बाई 16 हो गया, 17 बाई 16 हो गया, तो ए, तो यहाँ पे वी का वैल्यू क्या हो गया 17 बाई 16 हो गया, तो 17 बाई 16 हो गया, तो ए प्लस टू, यहाँ पे बी का वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ पे कर लेते हैं सीधे में, तो 1 प्लस 17 बाई 16 और बाई टू, 16 17 8 करोगे तो 33 बाई 17 इंटू टू यानी कि 33 बाई 32, हमने ये पांच मेथड फाइंड कर लिए, आप देख सकते हो इस चीज को यहाँ से और अच्छे से देख सकते हो कि हमने पांच मेथड फाइंड कर लिए, पांच रेशनल फाइंड किए हैं, लेकिन किस मेथड से फाइंड किए हैं, तो हम मेथड लगा के फाइंड किया, चलिए पांच रेशनल नंबर था तो ये मेथड लगा लिए, 10 रहेगा तो ये और भी लेने चला जाएगा, 20 अगर दे देंगे तो और ज्यादा लेने चला जाएगा, तो आपको टाइम नहीं बचेगा एग्जाम में, नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, आपका ये कम से कम 10 मिनट 5 मिनट आपका टेक ओवर करेगा, तो आपको करना क्या है, इसका दूसरा मेथड देखते हैं वो किस लिए है, अगर दो तीन पूछे तो आप इस मेथड से मिड वैल्यू मेथड से फाइंड कर लो, इजी है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका 5 पूछ दे, 10 पूछ दे, 15 पूछ दे, 20 पूछ दे, 100 भी पूछता है, ओके, 100 भी पूछेगा, तो आप ये मेथड नहीं चला सकते, नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, बिकॉज ऑफ टाइम, आपके पास कम टाइम होगा इसकी वजह से नहीं लगा सकते, तो इस चीज को आप देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस चीज को आप ले सकते हो, ये क्लियर है, आपका मिड वैल्यू मेथड यहाँ से क्लियर हो गया है, ठीक है, तो अब सेकंड मेथड देखने जा रहे हैं हम लोग, ये मिड वैल्यू हो गया, मिड वैल्यू में करते क्या थे, दो नंबर होता था, वो दोनों नंबर को क्या करेंगे, ए प्लस बी बाई टू कर लेंगे, जहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जो फाइंड होगा उसको बी मान के ए के साथ हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शनल एडिशनल बाई टू करके हम सब निकाल सकते हैं, चलिए अब मेथड हम चेंज करते हैं,
सेकेंड मेथड में चलते हैं। सेकेंड मेथड क्या हमारा, वो चीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ये काफी हार्ड नहीं है स्टूडेंट्स, इसको हमने ध्यान देते हुए इस चीज को किया है, इस वीडियो को हम ये ध्यान देते हुए बना रहे हैं कि ये काफी हार्ड नहीं है, तो आपको सोचना नहीं है बिल्कुल। हम आपको तीन मेथड बता रहे हैं, वो तीनों मेथड से आप कुछ एग्जांपल्स बनाएं घर पे। जो सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड टू पे चलते हैं। मेथड टू क्या है, ये बहुत ही इजी मेथड है और ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। मेथड टू वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां पे यूज करेंगे जहां पर डिनोमिनेटर आपका सेम होगा। क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। तो हमारा जब डिनोमिनेटर सेम होगा, आपका जब डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये चीज हम वहां पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब देख लो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे सही है दोनों नंबर का। इसमें बस एक छोटा सा चीज करना है, आपको वो भी चीज दिखा दें ग्राफ बना के, कि रेशनल नंबर को आप n मान लो, ठीक है, जो रेशनल नंबर है, और टोटल नंबर हो जितना फाइंड करना है। जैसे सपोज इस क्वेश्चन में फाइंड कितना करना है रेशनल नंबर, तो 5 करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हम क्या रख लेंगे, n प्लस वन। ये किसमें होगा, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। n प्लस वन मतलब नंबर ऑफ, n इक्वल टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर, जितना आपको क्वेश्चन में दे रहा है फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे 10 देता तो आप इनका वैल्यू 10 ले लेते, 20 देता तो इनका वैल्यू 20 ले सकते हो, 30 देगा तो 30 ले लो। मतलब तो जितना नंबर ऑफ रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड करने को दे रहा है, उतना हम नंबर क्या करेंगे, रख लेंगे। इट्स ओके, क्लियर है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि इसके बीच में रेशनल नंबर आखिर है कितना। तो n यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6, और फर्स्ट वाले को 3/5, यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 18/30 हो गया। ओके, दूसरा नंबर देखते हैं, 6 × हम इस तरह से कर सकते हैं, तो 24/30 हो गया। अब जब देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा 30 है, इन दोनों के बीच का नंबर, मतलब क्या, 18/30 से लेकर 24/30 के बीच का आ रहा था, 18 के बाद क्या आएगा, 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो यानी कि हमें कितना लिखा था, 1, 2, 3, 4, 5 5 रेशनल निकालना था। तो ये हमारा मेथड टू हो गया, और किसके लिए ये है, जहां डिनोमिनेटर सेम होगा, जहां पे हमारा दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ये काम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। ये बहुत इजी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्व करने के लिए, या इससे और भी एग्जांपल क्रिएट करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर इससे कोई प्रॉब्लम है, आई होप कि ये वीडियो, ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये मेथड समझ में आया होगा, फर्स्ट मेथड समझ में आएगा, सेकंड समझ में आएगा। तो हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ। तो थर्ड मेथड हमारा क्या है, वो चीज आपको क्लियर कर देगा कि टोटल रेशनल नंबर जब हम फाइंड कर रहे हैं, तो आपको ऐसा भी कई कई मेथड आएगा कि ऐसा भी कोई कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 100 फाइंड करना होगा, 1000 फाइंड करना होगा, 10,000 फाइंड करना होगा। तो इस तरह की चीजें को हम देखना चाहते हैं कि थर्ड मेथड में हम इसी तरह की चीजों को आपको बताना चाहेंगे। आपका भले ही यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, बट आप उसमें भी कंफ्यूजन हो जाओगे इस चीज में। तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर के साथ
डिनोमिनेटर के साथ साथ इस चीज को निकालेंगे कि अगर सपोज मान लो कि हमें 100 रैशनल नंबर फाइंड करना है, कितने फाइंड करने हैं, 100 फाइंड करने हैं, तो एक क्वेश्चन है आप लिख सकते हो इस चीज को, फाइंड द 100 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड द 100 रैशनल नंबर बिटवीन 4 by 11 और 7 by 11 के बीच में 100 फाइंड करना। आप कहोगे सर हम सेकंड वाले मेथड से भी बना लेंगे, बिल्कुल बना लोगे, लेकिन वहाँ मल्टीप्लाई ऐसा करना पड़ जाएगा कि आप फिर टफ हो जाएगा, मतलब आप उस चीज को सॉल्व करते करते आधे घंटे में कोई मैथ का चीज बनाते हो तो वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, इम्पोर्टेंट टाइम भी रखता है आपका, वो चीज 5 मिनट में कर लोगे तो वो ज्यादा अच्छा मेथड है। तो सिर्फ ये मेथड उसी चीज के लिए लाए हैं जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ रैशनल नंबर पूछेगा, मैक्सिमम नंबर, ओके। यहाँ पे 100 क्या है, मैक्सिमम नंबर है, तो मैक्सिमम नंबर को जब हम देख रहे हैं तो हम थर्ड मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं। तो क्या है थर्ड मेथड, चलिए आइए इसका सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि सर ने क्या बताया ये थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड हमारा ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि n इक्वल टू क्या है, 100 है, क्या है, 100 है। अगर सपोज कर लो n हमारा 100 चाहिए, 100 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम अगर n को ठीक है 100 से कुछ ज्यादा भी ले लेते हैं, सपोज मान लो कि 100 से ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 11 से कटता हो, ठीक है, तो 100 से ऐसा एक बड़ा नंबर है जो कि 11 से कटता है, 11 से डिविजिबल होता है, तो कौन सा नंबर है, 110 है, कौन सा नंबर है, 110 है। अगर आपका क्वेश्चन दिया है कि 100 रैशनल नंबर निकालना है, लेकिन हम यहाँ पे n इक्वल टू तो 100 निकालना है, बट हम अगर n इक्वल टू यहाँ पे 109 ले लेते हैं और उसमें ये चीज जुट रहा है, ठीक है, ये चीज जुट रहा है, तो 109 में 1 ऐड कर लेंगे तो 110, और जब 110 आएगा तो 11 को आसानी से क्या कर सकते हैं, डिविजिबल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 4 यहाँ पे समझ लो, मान लो कि यहाँ पे माइनस एक डिजिट का भी आपको एग्जांपल बता देते हैं, तो मान लो कि ये 4 हो गया, तो 4 तो पहले यहाँ पे रहते हैं n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये नोमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, इस बीच को हम कैसे लिखेंगे, तो n प्लस 1 है, तो यहाँ पे हमने तो लिया क्या है, ये सपोज किया है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सपोज, यानी कि हम माने हैं कि n का वैल्यू कितना होता है, 109 होता है, तो 109 प्लस 1 इंटू नोमिनेटर, नोमिनेटर क्या है, तो नोमिनेटर हमारा होगा n, यानी कि यहाँ पे n क्या है, -4/11, यहाँ पे 109 प्लस 1 इंटू डी क्या है, 11। ये चीज तो आपको ये चीज पता लग गया, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 110 into 11। अब आपको तो पता है कि हमने यहाँ पे 109 प्लस 1 इसलिए तो नहीं गया है कि 110 और 110 क्या कर ले, कैंसिल कर ले, ये बिल्कुल मत कीजिएगा, ये दूसरे वाले नंबर से आप कैंसिल कीजिए, ओके, ये दूसरे वाले नंबर जो 11 से कैंसिल करने के लिए 109 है उससे हम कैंसिल करेंगे और यहाँ पे आएगा -40/110, ठीक है, ये चीज को हम सॉल्व कर लिए। यही चीज यहाँ भी लाते हैं इंप्लीमेंट दूसरे रैशनल नंबर के लिए, जो दूसरा रैशनल नंबर है हमारा उसके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर है 7/11, तो 7/11 के लिए ही यही चीज ला रहे हैं, ठीक है, 7/11 के लिए भी सेम यही प्रोसेस करेंगे और सेम आपको यही चीज करना है, तो 110 into 7 यहाँ पे हो गया 110 into 11, इसको भी 10 टाइम्स कर देंगे। अब आप बता दो 70/110 इनके बीच में कितना इंटीजर्स है, -40 और +70 के बीच में कितना इंटीजर्स होगा,
मैक्सिमम ऑफ 100, यानी कि मैक्सिमम ऑफ 100 इंटीजर्स होंगे, यानी कि आप इनके बीच का कोई भी इंटीजर्स आप लिख सकते हो। ओके, आप मतलब कैसे लिखोगे, अब -40 को पहले करोगे, यानी कि -40 / 100 लेन तो इधर है ही, ठीक है। हाँ, आपका ये दिखा दे रहे हैं 17/100 लेन है, तो यहाँ से आप -39, ठीक है, इस तरीके से ले जाओगे, ठीक है। इस तरीके से डॉट 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 करते करते यहाँ पे 69, मतलब 100 से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ तक आपको 100 आएगा, वहां तक आप क्लियर लिख सकते हो। या इस तरीके से भी आप बताओगे तो कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं काटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। लिखना ही जरूरी नहीं है, आप सिर्फ उसको सीक्वेंस में दिखा दिए कि इसका सीक्वेंस आएगा सर इस तरीके से आएगा, डॉट डॉट करके ये करके दिखा दिए, तो आपका ये क्लियर है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और जब नहीं आ रही है क्वेश्चन समझ में, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, पूछिए उस चीज को। इस चीज का हमेशा हम वेट करते रहेंगे कि आप क्वेश्चन पूछे, ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप एग्जांपल क्रिएट कीजिए खुद से, ठीक है। तो आगे के वीडियो के लिए हम देखेंगे, इसके आगे हमें पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर, क्लियर हो गया तो इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इरेशनल नंबर को भी बताएंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी नंबर लाइन पे। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर है क्या, व्हाट यू नो अबाउट इरेशनल नंबर, जैसे कोई पूछता है इरेशनल नंबर, हम लोग क्लास 8 में इरेशनल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं, उसको देखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी तरह का ये भी टॉपिक है हमारा, इरेशनल नंबर भी है। तो जिसको हम रिप्रेजेंट फ्रैक्शन में नहीं कर सकते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट रेशनल नंबर में नहीं कर सकते हैं, उस चीज को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो इसका डेफिनेशन पहले कर लेते हैं, व्हाट इज इरेशनल नंबर, उसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे क्या है इरेशनल नंबर। ओके, तो लिख सकते हैं कि द नंबर वैसा नंबर जो नॉट बी एक्सप्रेसिव, मतलब क्या है, मतलब क्या है नॉट बी एक्सप्रेसिव इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, P by Q के रूप में जो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है उसे हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जांपल हो गया इसका, जैसे जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर √3, √2, √5, ये सब हो गए, ये सारे क्या हो गए इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इस इरेशनल नंबर को, अब आपको पता है एक चीज कि √2 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ये जो √2 है उसका रियली वैल्यू तो हमें इतना ही पता होता है क्योंकि हम इतना यूज करते हैं, कोई मैथ्स बनाते हैं उसका वैल्यू √2 का वैल्यू दिया रहता है तो इतना ही पुट करते हैं। लेकिन असलियत में होता क्या है पता है, 2, 1, 2, 3, 1 ऐसे कर करके बहुत दूर तक जाता है। मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है तो ये हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखें कि इस तरह का डेसिमल है। उसके साथ साथ ये चीज आपको बता रहे हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी भी नंबर लाइन पे, ये बहुत ही इसेंशियल क्वेश्चन है, जरूरी है पढ़ना इस चीज को कि हम किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन अब
रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसके द्वारा हम इसे इसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना चाहेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो हमें 2 को रिप्रेजेंट करना है। सपोज करो कि रूट 2 को लोकेट करना है, लोकेट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें इस चीज को दिखाना है कि रूट 2 को आप कैसे दिखा पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पता है नॉन रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग है और ये भी चीज नहीं पता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड है। उस मेथड का हम यूज करने जा रहे हैं, उस मेथड से आप इजीली समझ पाओगे। जैसे सबसे पहले हम एक राइट एंगल ले लेंगे, ये हमारा राइट एंगल हो गया। ठीक है, अब हमेशा हमें जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जिस इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, उसको हम सपोज कर लेंगे हाइपोटेनस के इक्वल। किस चीज के इक्वल? हाइपोटेनस के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए सी हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस के इक्वल हो गया। और इसका कंडीशन क्या होता है? तो जो हाइपोटेनस होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर और किसके? बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है आपका हाइपोटेनस जो होता है इसके बराबर। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, तभी तो हमारा रूट 2 आएगा। चलो हम देख लेते हैं इसमें रखते 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया रूट 2। इसके बराबर ए सी के बराबर, या कह सकते हैं हाइपोटेनस के बराबर। रूट 2 यहाँ पे आ गया, ए सी के बराबर आ गया, या हाइपोटेनस के बराबर आ गया। तो हम इस चीज को ले लिए 1 यूनिट और इस चीज को भी ले लिए 1 यूनिट। ये दोनों हमारा क्या हो गया? 1 यूनिट 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम इजिली देख लेते हैं, इजिली कर लिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमारे फर्स्ट स्टेप में ये काम था, हमने फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया। अब यहाँ से सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है कि सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है। तो सेकेंड स्टेप में हम एक नंबर लाइन लेंगे, ये नंबर लाइन हो गया। ठीक है, आपको पता है नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है और राइट साइड में क्या होता है आपको? पॉजिटिव होता है। तो ये तो पॉजिटिव चीज है, तो पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं कि ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है, ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस मान लेंगे कि 1 यूनिट है। ठीक है, अब उसी तरीके से मान लेंगे कि ए से लेकर बी तक का, जिस तरीके से यहाँ पे है, ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 1 यूनिट है। 1 यूनिट है। ठीक है, और यहां से लेके जब इसको मैच करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग, उस फिगर के अकॉर्डिंग ये हमारा जो 2 है। ठीक है, तो यहां से लेके जो यहां तक हमारा आर्क जो इसका लेंथ आया, ठीक है, उसी के बराबर एक यहां पे हम आर्क बनाएंगे इस तरीके से। उसी के बराबर हम आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये 1 यूनिट है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 मान। ठीक है, तो आर्क बनाएंगे उसी के बराबर। जैसे हम यहाँ पे इसके नाप के बराबर हम यहाँ पे आर्क बना लेंगे। तो ये जो हमारा आर्क बना, ये किस पे जाएगा? यही रूट 2 को लोकेट करेगा। ओके, यही किस पर लोकेट कर रहा है? तो यही रूट 2 को लोकेट कर रहा है। ये हमारा सबसे ईजी मेथड है। इस चीज का स्टेटमेंट आप इस चीज का आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? खुद से मन से आप कर सकते हो कि ड्रा ए नंबर लाइन। आप पहले क्या कर रहे हो? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो नंबर लाइन लिख लोगे कि ड्रॉ ए नंबर लाइन। उसके बाद आप क्या करोगे? तो नंबर लाइन को ड्रॉ, मेक अ पॉइंट ओ ऑन इट, उस पर एक हमने पॉइंट बना लिया, मेक अ पॉइंट ओ ऑन इट। ठीक है, और उसके बाद दिखा देंगे कि ओ ए का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस
फॉर्म ओ टू ए या ए फॉर्म पे इस तरह का डिस्टेंस वन यूनिट है, ए फॉर्म डी का डिस्टेंस वन यूनिट है, ठीक है, और बी फॉर्म सी का डिस्टेंस क्या है, रूट टू है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका लैंग्वेज कर सकते हैं, लैंग्वेज दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने लोकेट कर लिया, तो हमने रूट टू को किया, आप रूट फाइव को करो, रूट सेवन को करो, ठीक है। इस तरह से आप कुछ करके लाना, आप कर सकते हो कॉपी में अपने, रूट थ्री का कर सकते हो, रूट फाइव का करो, रूट सेवन को करो, इन तीनों को आप जरूर से जरूर लोकेट करके देखो, आप इन तीनों को नंबर लाइन पे लोकेट करके जरूर। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे एक मिनट रुक जा रहा हूँ आप लोग के लिए। तो आपने स्क्रीनशॉट इस पे ले लिया है, तो आप इस इसको एक बार घर पे खुद से इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करके जरूर देखिए, ठीक है। इसको लोकेट करने पे आपको जैसे रूट टू को हमने लोकेट किया, इस फॉर्म में लाया, इस कंडीशंस में लाया, इस तरीके से लाया, आप उसी मेथड का यूज करके देखिए, ये काफी इजी टू इजियर लगेगा। इसलिए इजी है क्योंकि आपको इसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसान तरीके से इस काम को और अच्छे तरीके से करोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मैंने पार्ट टू में आपको बताया, रेशनल नंबर के बारे में बता दिया, ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में बता दिया, रेशनल नंबर के बीच को नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बता दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके आने वाले जो पार्ट थ्री होंगे जिसमें रेशनलाइज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे कुछ डाउट क्वेश्चन भी कराएंगे। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, और इसके आगे जो इसका इम्पोर्टेंट वीडियो जो आने वाला है, ठीक है, हाल फिलहाल में ही आने वाला है, उसको भी मत भूलिएगा देखना। थैंक यू।